नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका। मंगलवार को रीट 2021 परीक्षा का रिजल्ट घोषित हो गया है। बीकानेर की सुभी पारिक ने लेवल 2 परीक्षा में टॉप किया। उन्होंने 146 अंक हासिल कर इतिहास रच दिया है। सुरभि ने बताया कि परीक्षा के लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी। सुरभि ने बताया कि उन्होंने कोचिंग छोड़ दी थी और एग्ज़ाम पेपर ज़्यादा सॉल्व किए। इस परीक्षा को पास करने के लिए सुरभि ने सिंपल सा फंडा अपनाया। इसके लिए 6th क्लास से लेकर 8th क्लास तक की साइंस की किताबों को खूब पढ़ा। किताबों के हर सवाल सॉल्व किए ताकि वो याद रह सके। साथ ही सभी पुराने पेपर्स से रोज प्रैक्टिस की, तब जाकर सफलता मिल पाई। बता दें कि सुरभि के पिता डॉक्टर पवन कुमार एक डॉक्टर हैं। वो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं। बेटी की सफलता पर पवन कुमार ने खुशी जताते हुए कहा कि उनकी बेटी के पास 12th क्लास में साइंस थी, लेकिन इसके बावजूद उसने कभी मेडिकल में जाने की इच्छा नहीं जताई। वहीं सुरभि ने अपने इस कामयाबी से और लोगों को भी प्रेरणा दी और कहा कि अगर आप कोई भी परीक्षा दे रहे हैं तो उसे पूरे डेडिकेशन के साथ दें। आपको उस परीक्षा के मर्म को समझना चाहिए। जिस सब्जेक्ट को आपने चुन लिया है उसके बारे में सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में नहीं लें। सुरभि फिलहाल BA AC कर रही हैं। उनका कहना है कि BA AC के बाद राजस्थान प्रशासनिक सेवा के लिए प्रयास करेंगी, क्योंकि वो आम लोगों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करना चाहती हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।